हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल टेक राजपूत पे। और दोस्तों, आज के स्टूडियो में आपको एक डिवाइस दिखाने जा रहा हूँ जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बहुत कम देखने को मिलता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपको एक एयरटेल का राउटर शो दिख रहा होगा यहाँ पे, लेकिन ये जो राउटर है ये देखो कैसे चलता है। पहली बात तो ये कि इससे जो लैन वायर निकल रही है वो देखो, ये मैंने आज ही लैन वायर मंगवाया है अमेज़ोन से। तो ये देखो, ये लैन वायर कहाँ जा रही है, ये जा रही है आउटडोर यूनिट के पास। तो ये दोस्तों एयरटेल का आउटडोर यूनिट यहाँ पे है। और ये क्या है, मैं आपको इसको उतार के दिखाता हूँ। तो एक 4G LTE आउटडोर यूनिट है जो क्या करता है, इसको अभी दोस्तों मैं मुझे छत पे लगाना है। तो ये है आउटडोर यूनिट। इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं LTE का एक बटन है और आगे से कुछ इस तरीके का दिखता है। ये मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ। तो दोस्तों ये बड़ा ही यूनिक इसलिए है क्योंकि मैंने इंटरनेट वगैरह पे मैं कहीं फाइंड नहीं कर पा रहा ये चीज़ को, कहीं इसका इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा मुझे। ये तो मैंने अपने एक रिलेटिव के यहाँ पे ऊपर लगा हुआ था, तो मैंने इसको देखा, फिर मैंने सोचा कि अच्छा ये आउटडोर यूनिट है तो इसका इंडोर यूनिट भी होगा। तो मैंने उनसे पूछा कि इसका इंडोर यूनिट कहाँ है, तो उन्होंने अपने घर से निकाल के मुझे ये दिया। तो फिर मैं इसको उठा के ले आया मैं अपने गांव, जहाँ पे काफ़ी कम रेंज आता है मोबाइल का। तो मेरा थॉट ये है कि मैं इसको ऊपर रखूँगा छत पर और उससे काफ़ी अच्छी स्पीड आएगी। मैंने टेस्ट किया हुआ है, 30-40 MBPS आ जा रही थी स्पीड। और वैसे तो यहाँ पर एयरटेल का 2G भी नहीं पकड़ता अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो ये है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि इस वाला जो आउटडोर एंटीना है इसमें कोई भी पावर केबल नहीं है, पावर कोड नहीं है। ये क्या है कि सीधे इथरनेट से चलती है, पावर ओवर इथरनेट टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने खुद ही सारा कुछ फिगर आउट किया है इसका, क्योंकि मेरे पास बिट्स एंड पीसेस थे, ये एंटीना था, फिर वो बाद में वो इंडोर यूनिट मिला, बाद में उसका वो पावर अडाप्टर मिला मुझे, ये जो राउटर है उसका पावर अडाप्टर है। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा यार कि इसका कोई पावर कोड तो है नहीं, इसमें सिर्फ एक पोर्ट लगा हुआ था इसके अंदर, ये जो मैं दिखाता हूँ आपको खोल के। ये देखो दोस्तों, तो यहाँ पे 4 पोर्ट्स बने हुए हैं। तो इसमें से एक पोर्ट्स में मैंने इसको लगाया, ये जो RJ45 कनेक्टर केबल को लगाया मैंने, तो ये काम करने लगा। तो मैं समझ गया कि अच्छा इसमें कोई पावर कोड नहीं है, ये सीधे पावर ओवर इथरनेट का यूज़ कर रहा है और इसी तरह राउटर से ये जो लैन वायर इसको कनेक्ट करती है और उसी के साथ ही पावर भी और डेटा दोनों ट्रांसमिट करती है एक साथ ही। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। तो वैसे तो दोस्तों आपने देखा होगा बहुत से जो चाइनीज़ जो बूस्टर होते हैं नेटवर्क बूस्टर, वो देखा होगा आपने, लेकिन एयरटेल का ऐसा आपने जुगाड़ नहीं देखा होगा। मैंने यूट्यूब पे देखा इसका गूगल करके, तो ये युगांडा में एयरटेल वालों ने ऐसी टेक्नोलॉजी तो निकाली है, वहाँ पर लॉन्च किया प्रोडक्ट ऐसा, लेकिन इंडिया में ऐसा प्रोडक्ट देखने को बहुत कम मिलता है। ठीक है, तो ये मेरे लिए थोड़ा यूनिक था। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है वाईफाई का बल्ब जल रहा है और पावर का बल्ब जल रहा है इस राउटर में। तो क्या होता है कि ये इससे बूस्ट करता है, ये 4G सिग्नल कैच करता है और ये राउटर तक केबल से भेजता है और फिर ये राउटर वाईफाई से आपके हर एक डिवाइस को वाईफाई इंटरनेट देगा। तो ये इसका कंसेप्ट है। देखो दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, सिम इसमें यहाँ लगा हुआ है, ये देखो आप, यहाँ पे एयरटेल का सिम लगा हुआ है। मैंने इसको किसी और भी सिम से ट्राई करने की कोशिश करी, जैसे जियो के सिम की ट्राई करने की कोशिश करी, लेकिन उससे काम नहीं किया, ये सिर्फ एयरटेल के सिम में काम करता है। तो अभी मैंने इस पर 2 GB पर डे का प्लान डलवा रखा है, तो हर दिन का 2 GB मेरे लिए सफिशियंट है। अभी मैं वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो 2 GB में मेरा काम चल जाता है दिन भर का, क्योंकि मुझे तो सिर्फ रिमोटली कनेक्ट करना होता है अपने ऑफिस के डेस्कटॉप से, बस उसके बाद तो काम होते रहता है ऑफिस के सिस्टम से। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास जो केबल इसके साथ काम कर रहा था, तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये केबल था जो दोस्तों जो मेरे पास काम कर रहा था। ठीक है, ये भी कैट फाइव केबल है, लेकिन सिर्फ ये छोटा वाला काम कर रहा था, ये बड़ा वाला जो 1 TB का केबल था मेरे पास लैन केबल, वो काम नहीं कर रहा था, ये सपोर्ट नहीं करता इसको पावर ओवर इथरनेट। ये छोटा वाला कैट 5 केबल ही है लेकिन ये सपोर्ट करता है। तो मैंने ये कैट 6 केबल मंगवाया अभी, तो कैट 6 केबल मैंने मंगवाया कि पावर ओवर इथरनेट के लिए काफ़ी अच्छा काम करता है। इसमें क्या है कि पावर भी जाना डेटा भी जाना है, तो ये जो है वो तार जो हीट हो जाते हैं थोड़ा, और क्रॉस टॉक वगैरह की प्रॉब्लम आती है, इसके लिए मैंने ये नया केबल मंगवाया है। तो अभी तक तो क्या था, ये छोटा केबल से मेरा ये विंडो पर लगाता था मैं, तो कम रेंज आता था। मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़,
ये देखो इसके पीछे क्या होता है कि बल्ब जलते हैं, ये कोई पावर का बल्ब है ग्रीन, LTE का है येलो, और उसके बाद तीन और बल्ब हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट रेंज स्पीड के हिसाब से, अगर मान लो ज़्यादा रेंज आ रहा है, तीन चार डंडे आ रहे हैं, ठीक है, बार जिसको बोलते हैं हम, नेटवर्क बार, तो आपके सारे बल्ब जलने शुरू हो जाएंगे। तो अभी आप जैसे कि देख रहे हो सिर्फ एक बल्ब जल रहा है, तो अब मैं जब इसको इस विंडो पे यहाँ पे लगाता हूँ तो इससे दो बल्ब जलते हैं। अब मैं इसको अगर ऊपर लगा दूंगा छत के ऊपर, इसलिए मैंने ये बड़ा 30 मीटर का केबल मंगवाया, तो क्या है उसके सारे तीन बल्ब जल जाएंगे और जो नेटवर्क बार है वो फुल हो जाएगा। तो उस केस में मैंने इसको ट्राई किया था, उस केस में 30-40 Mbps स्पीड आ जाता है। अभी यहाँ पे विंडो पे लगाता हूँ तो 2-3 Mbps 4 Mbps स्पीड आता है, ठीक है। और अगर वैसे मैं घर पे अगर इंटरनेट चलाऊँ मोबाइल में तो वो तो 2G भी नहीं चलता है एयरटेल का। तो ये खूबी है दोस्तों इस प्रोडक्ट की, आउटडोर यूनिट की, इंडोर यूनिट की। इसका मुझे ज़्यादा नहीं पता क्योंकि मैंने इसको खरीदा नहीं है, मुझे इंटरनेट पे इसका कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। अगर आपको कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन है तो आप मुझे उसका लिंक या URL कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं ताकि मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले इस चीज़ के बारे में। क्योंकि ये मैंने ये वायर भी मेरा काम नहीं कर सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो मैंने खुद से ही ये वायर मैंने चांस लिया और ये वायर को मंगवाया, 750 रुपये मैंने खर्च किया उस पर, लेकिन अब ये काम कर रहा है। तो ये सारे वायर के साथ काम नहीं करता, ये थोड़ा स्ट्रेंज था मेरे लिए, क्योंकि देखो कैट 5 केबल इसके साथ काम नहीं किया, कैट 5 ही है वैसे तो, लेकिन उसके साथ काम नहीं करता, कैट 6 के साथ काम कर रहा है, और ये जो छोटे वाले कैट 5 केबल हैं उसके साथ काम कर रहा है, ठीक है। वैसे तो इन केबल में ज़्यादा डिफरेंस कोई है नहीं, तो यही दिखाना चाहता था मैं दोस्तों आपको आज की इस वीडियो में। तो यही मेरा प्लान है कि मैं ऊपर रखूँगा इस वाले आउटडोर यूनिट को और रेंज घर पर अच्छे से इंटरनेट चलाऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।